हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मा किचन्स। आज हम बना रहे हैं बथुए के पराठे। सर्दियों की एक विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। सर्दियों में खास करके बथुआ बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे एक किलो बथुआ लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद सबसे पहले हम इसको उबलने रख देंगे। तो मैंने भगोने में डाल दिया है बथुआ धोने के बाद। अब इसमें डाल रही हूँ पानी। मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी डाल दिया है। पानी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा ही पानी हम डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद ढक्कन रख देंगे और बथुए को हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। 3-4 मिनट में बथुआ अच्छे से उबल जाएगा। मैंने यहाँ पे ढक्कन ढक दिया है भगोने के ऊपर। तो 4 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद करके यहाँ पे बथुआ वो कर दिया, ठंडा होने रख दिया है। ठंडा करने के बाद इसे मैं ग्राइंडिंग जार में बारीक पीस लूँगी। तो हम यहाँ पे आटे में बथुआ डालेंगे जो हमने पीसा है, और हम इसमें पानी बिल्कुल भी अलग से नहीं ऐड करेंगे। जितना भी आटा इस बथुए में लगेगा हम उतना ही में आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हमें गूंद लेना है। अगर हमें कम लगेगा आटा तो हम इसमें आटा और मिला लेंगे, लेकिन हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी अलग से नहीं ऐड करना है। आटा में जैसे नॉर्मल रोटी का आटा हम गूंदते हैं, वैसे ही आटा हमें इसका गूंदना है। तो मैं यहाँ पे इसमें आटा गूंद रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक इसके अंदर और डाल रही हूँ, क्योंकि आटे में नमक मैंने नहीं मिलाया है, बथुए में नमक 1 चम्मच मिलाया था। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे आटा लगा लेंगे थोड़ा सा, जैसे रोटी का होता है बिल्कुल वैसे ही आटा हमें लगाना है। और इस रोटी के साथ में आप हरे धनिया की और हरी मिर्च की चटनी बना सकते हैं, वो खाने में इसके साथ बहुत डिलीशियस लगती है। और रोटी या पराठे दोनों ही इसमें बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आटा जो है मैंने अच्छे से गूंद लिया है। इस तरीके से मैं आटा गूंदना है कि थोड़ा सा आटा ऐसा बनना चाहिए कि रोटी इसमें आराम से, अगर ज़्यादा पतला आटा कर देंगे तो रोटी बनने में थोड़ी दिक्कत आती है। थोड़ा सा हल्का सा आटा हमें टाइट रखना है। अब ये आटा मेरा गूंद गया है, हमने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आटा गूंदने के बाद हम रोटियाँ बनाएंगे। अब इसकी देखिए आटा गूंद गया है, रोटी बनाएंगे इसकी। आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे हम रोटी बनाने के लिए अब पेड़े बना रहे हैं रोटी के। तो यहाँ पे रोटी बना लेंगे। थोड़ा सूखा आटा ले लिया है मैंने रोटी बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम करीब 4-5 रोटी बनाने के पेड़े बना लेंगे। उसके बाद हम एक सी रोटी बनाते चले जाएंगे। और रोटी बनाने के बाद गरम गरम रोटी में इस पर घी लगा लेंगे और साथ में बनाएंगे हरे धनिया की चटनी। उससे जो ये पराठों में, इस रोटी में जान आ जाती है, चटनी बहुत अच्छी लगती है साथ में इसके। तो सर्दियों में इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही सबको पसंद भी आएगी। तो मैं फटाफट से रोटियां बेल लेती हूँ। सबसे पहले सारे पेड़े बना के रख लिए हैं रोटी के, और अब मैं बेलना शुरू कर दूंगी, क्योंकि रोटी फिर हम बनाते जाएंगे। तवा चढ़ा दिया है मैंने गैस पे, गैस ऑन कर दी है। तो फिर चलिए अब हम रोटी बेल लेते हैं। सारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से हल्का सा सूखा आटा लगा लेंगे दोनों साइड में और बेलन से इसको बेल लेंगे। आराम से रोटी बेल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। रोटी हमारी बेल रही है। और अब हम इसको रोटी को तवे पे डाल देंगे।
जब रोटी बिल गई है तो मैं इसको इस तरीके से घर बढ़ा के और तवे पे डाल दूंगी। हल्की सी रोटी सीकने के बाद फिर हम तवा हटा के डायरेक्ट गैस पे सेक लेंगे। इससे रोटी बहुत बढ़िया सीक जाती है और एकदम खाने में बहुत डिलीशियस लगती है। रोटी को अच्छे से सेकना है। रोटी मैंने तवे पे डाल दी है। 2 सेकंड के बाद रोटी को हम पलट देंगे। अब मैंने रोटी यहाँ पलट दी है। अब इस साइड से रोटी सेकने के बाद हम डायरेक्ट गैस पर रोटी सेकेंगे। ये रोटी खाने में बहुत डिलीशियस होती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो सर्दियों में इसको आप आराम से बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में भी इसको बना सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी होती है। तो हम रोटी को सेक लेंगे डायरेक्ट गैस पे और रोटी हमारी बस बनके तैयार है। तो यहाँ पे रोटियाँ हमारी सिक रही हैं। 4-5 रोटियाँ हम एक सी बना लेंगे, फिर हम इस पर घी लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप चाहें तो पराठे भी बना सकते हैं इसके। तो यहाँ पे रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। सबसे अब रोटी पे हम घी लगा लेंगे और हमारी रोटियाँ बहुत डिलीशियस बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी। सारी रोटी पे घी लगा लेंगे हम। तो बस रोटियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई करें घर पे, सबको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।